हेलो, वेलकम माई चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा एक्सेल पे टॉपिक है वो है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट एक ऐसा ऑप्शन है जो शीट को कंबाइन करके रिजल्ट देता है। ओके, तो जैसे हम डाटा में जाते हैं, डाटा टाइप में यहाँ पे ऑप्शन है कंसोलिडेट का। ओके, तो जैसे कि हाँ, मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है शीट वन में भी, आप देखेंगे तो शीट टू में भी, इधर देखेंगे शीट थ्री में भी। ओके, अब यहाँ पे जो डाटा है ये स्कूल का डाटा है। मैंने सभी बच्चों का यहाँ पे डाटा तैयार कर रखा है, एग्ज़ाम वाइज, फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम एंड थर्ड एग्ज़ाम का। ओके, अब मुझे इन सभी का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट शीट फोर पे चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये लाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम जो शीट है हमारी, शीट वन है, शीट टू है, शीट थ्री है, शीट थ्री पे अब लाना है अगर हमें शीट फोर पे डाटा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे शीट फोर पे। ओके, देन यहाँ हम आते हैं कंसोलिडेट पे। इस तरीके से यहाँ पे एक आपको टैब ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स कंसोलिडेट का। यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे कई तरह के फंक्शन दिए हैं, हमें सम निकालना है यानी टोटल निकालना है सबका। अब यहाँ पे रेफरेंसेस दिया है, रेफरेंस सेल, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीट वन पे क्लिक कर लेंगे और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा पूरा डाटा जो है हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ओके, ऐड कर देंगे। ठीक, फिर से हम जाएंगे शीट टू में और फिर यहाँ हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फिर से हम इसका पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे शीट वन, शीट टू। ओके, अब हम शीट थ्री पे आते हैं। शीट थ्री पे आएंगे, फिर से हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम टॉप पे, यहाँ से जहाँ तक हमारा डाटा है उस पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे शीट थ्री, शीट थ्री भी हो गया, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है यूज़ लेवल इन, यानी आपको, आप टॉप का रो चाहते हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज है, चाहिए लेफ्ट डाउन लेफ्ट कॉलम, हाँ जिसमें सारा नाम है, क्रिएट अ लिंक ऑफ सोर्स डाटा, तो मतलब हमें जो सोर्स डाटा है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें पूरा डिटेल उसमें दिखे वो भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक कर, अब जैसे हम इसको यहाँ ओके करेंगे आप देखेंगे सारे डाटा हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे है, अब हम जैसे रमन का देखते हैं। ओके, रमन का सबसे पहले हम देखते हैं शीट वन में रमन का कितना था। यहाँ पे रमन का टोटल 64 दिखा रहा है तीनों शीट को ऐड करके, तो रमन का पहले 23 था, ठीक, फिर 21 था और फिर 20 था, 23, 21, 20, तो टोटल आपका शीट फोर में हमें 64 दिखा रहा है ये। अब अगर हमें रमन का डाटा यहीं पर देखना, कहीं नहीं जाना, तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्लस बटन पर, प्लस आइकन पर, तो आप देखेंगे कि रमन का पूरा हमें यहाँ पे दिखा देगा कि 23 था, 21 था और 20 था, तो टोटल ऐड होकर के 64 आ रहा है, 314 2 2 4 2 6, इस तरीके से हमें पूरा, जब इस पर प्लस पे क्लिक कर देंगे माइनस पे हम, तो फिर से इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब हम इस तरीके से कंसोलिडेट पे वर्क कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।